हेलो फ्रेंड्स, मंजू सिंह के टोटल मूवीज़ के बारे में आज जानने जा रहे हैं। नंबर वन जो मूवी है ओए लक्की लक्की ओए। इस मूवी को 2008 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो 12 करोड़ का बजट था और 6 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि फ्लॉप हुआ। नंबर टू जो मूवी है, इस मूवी का नाम है उड़ान। इस मूवी को 2010 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो 4.5 करोड़ का बजट था और इस मूवी की कलेक्शन की बात की जाए तो 4.28 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि फ्लॉप हुआ। नंबर थ्री जो मूवी है स्टूडेंट ऑफ द एयर। इस मूवी को 2012 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो 59 करोड़ का बजट था और 110 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि हिट साबित हुआ। नंबर फोर जो मूवी है, इस मूवी का नाम है फुकरी। इस मूवी को 2013 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो 8 करोड़ का बजट था और 49 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि हिट साबित हुआ। यह मूवी कॉमेडी मूवी है, मस्त मूवी है, एक नंबर मूवी है, ठीक है। और पाँचवा नंबर जो मूवी है, फाइव नंबर मूवी, व्हाट द फिश। इस मूवी को 2013 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो 4.5 करोड़ का बजट था, 1 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि डिजास्टर साबित हुआ। नंबर सिक्स मूवी है, इस मूवी का नाम है अजहर। इस मूवी को 2016 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए 38 करोड़ का बजट था और 44 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि फ्लॉप हो गया। ज़्यादा कलेक्शन कर नहीं पाया, जिसके वजह से यह मूवी जो है फ्लॉप हुआ। नंबर सेवन जो मूवी है, जब हैरी मेट सेजल। इस मूवी को 2017 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो 90 करोड़ का बजट था, 150 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक था। आठवां नंबर जो मूवी है, एट नंबर मूवी, इस मूवी को यह मूवी जो है फुकरी रिटर्न, जिसे फुकरी उसके बाद फुकरी टू, मतलब फुकरी रिटर्न। इस मूवी को 2017 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए 22 करोड़ का बजट था, 106 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि सुपर हिट हुआ। मतलब फुकरी जो था उसमें कॉमेडी था, इसमें डबल कॉमेडी हुआ, इसीलिए फुकरी रिटर्न। नंबर नाइन मूवी, इस मूवी का नाम है स्टूडेंट ऑफ द एयर 2। इस मूवी को 2019 में दिखाया गया था और इसकी अगर बजट की बात किया 65 करोड़ का बजट था और 100 करोड़ का कलेक्शन किया। 100 करोड़ का यह मूवी जो है कलेक्शन किया, जो कि एवरेज के हिसाब से मोटा मोटी ठीक ही था। 10 नंबर मूवी जो है अर्जुन पटियाला। इस मूवी को भी 2019 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की बजट की बात की जाए 24 करोड़ का बजट था, 4 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि फ्लॉप हुआ। नंबर 11 जो मूवी है, इस मूवी का नाम है ड्रीम गर्ल। इस मूवी को भी 2019 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। 28 करोड़ का कलेक्शन था, 200 करोड़ का कलेक्शन किया, 28 करोड़ का बजट था। इस मूवी को सुपर डुपर हिट मतलब साबित हुआ, ड्रीम गर्ल। 12 नंबर जो मूवी है, इस मूवी का नाम है फोन बूथ। इस मूवी को 2022 में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। 35 करोड़ का बजट था और 19 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि फ्लॉप हुआ। ड्रीम गर्ल 2, 13 नंबर मूवी जो है ड्रीम गर्ल 2। इस मूवी को 2023 में दिखाया गया था। 35 करोड़ का बजट था, 140 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि हिट हुआ। 14 नंबर जो मूवी है, इस मूवी का नाम है फुकरी 3। इस मूवी को 2023 में रिलीज़ किया गया है और यह मूवी का बजट जो है 45 करोड़ रखा गया है और देखना है यह मूवी कितना कलेक्शन टोटल कर पाता है। फुल्ली कॉमेडी मूवी है।